नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी के दिन बुधवार को देर शाम मनासा से भादवा माता जा रहे पैदल यात्रियों को एक वैगनार कार चालक ने सावन के यहाँ पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाएं व 2 युवक घायल हो गए हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार मनासा भाटखेड़ी नाके से भादवा माता चूनर यात्रा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई। चूनर यात्रा सावन के पास गई थी कि 2 युवक अरुण पिता प्रहलाद शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी मनासा, मोहित पिता कमल नागदा उम्र 20 वर्ष पीछे रह गए जो पैदल जा रहे थे। वहीं 3 अन्य महिलाएं पूजा पति राजेंद्र उम्र 40 वर्ष निवासी कोर्ट एरिया मनासा, दुर्गा पति विनोद अग्रवाल उम्र 45 वर्ष निवासी गोविंद कॉलोनी मनासा, आशा पति राकेश शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी मनासा भी भादवा माता पैदल जा रही थी कि पीछे से आई वैगनार कार क्रमांक MP44-09CC-9032 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाएं व 2 युवक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों घायलों अरुण राठौर, मोहित नागदा व आशा शर्मा को लोडिंग वाहन से मनासा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको नीमच जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं 2 अन्य महिलाओं दुर्गा पति विनोद अग्रवाल व पूजा पति राजेंद्र को सीधे नीमच रेफर किया गया। भादवा माता पैदल जा रहे यात्रियों में कुल 5 लोग घायल हो गए। नीमच सिटी पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 में प्रकरण दर्ज कर कार चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं घायलों का अस्पताल भी जिला चिकित्सालय में जारी है। अभी भादवा माता के यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। कितने व्यक्ति घायल हुए? इसमें अपनी 2 महिलाओं की एक्सीडेंट में खबर मिली है, 13 राई उनकी जांच के लिए भी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेके आए। नहीं ठीक है, पैर में चोटें हैं और इलाज चल रहा है। वैगनार कार वाले ने कोई एक्सीडेंट किया है। आपका नाम?